अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नैनीताल से रुड़की जा रहे तहसीलदार सुनैना राणा की कार अनियंत्रित होकर बिजनौर के नजीबाबाद में सरवन पुल नहर में समा गई। कार में चालक सुरेंद्र व अर्दली ओमपाल भी तहसीलदार के साथ थे। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस व प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। देर रात हुई इस दुर्घटना के बाद हरकत में आई मशीनरी ने कार को निकाल लिया है। मौके पर मौजूद फर्स्ट बाइट संवाददाता प्रदीप त्यागी ने बताया कि कार के साथ ही तीनों शव भी बरामद हो गए हैं। इस बारे में उन्हें जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने यह जानकारी दी। यहाँ पर एक दुर्घटना रात में घटी है, जिसमें तहसीलदार रुड़की उत्तराखंड की सुनैना राणा, ये लोग इनकी कोई ट्रेनिंग थी नैनीताल से, वहाँ से वापस रुड़की जा रहे थे। रात में ये एक्सीडेंट हुआ, पुल की रेलिंग तोड़ करके इनकी बोलेरो गाड़ी ये नहर में गिर गई। यहाँ नहर में पानी बहुत ज़्यादा है, बहाव बहुत तेज है, तो ये तीन लोग यानी तहसीलदार रुड़की, सुनैना राणा, उनका ऑर्डरली और उनका ड्राइवर, ये तीन लोग बोलेरो गाड़ी में थे, तो ये इसमें डूब करके उनकी मृत्यु हुई है। इनके शवों को इससे निकाल लिया गया है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाड़ी भी ट्रेन के माध्यम से निकाल ली गई है। अब जो भी इसके आगे की कार्यवाही वो कराई जा रही है। उत्तराखंड के अधिकारियों डीएम हरिद्वार को इसकी सूचना तत्काल दे दी गई और जो भी इसमें आगे कार्यवाही है वो कराई जा रही है। डीएम ये कप्तान साहब बिजनौर और हमारी पूरी टीम रात भर इसमें काम में रही है और हम लोगों ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। तो आगे से हम जान किसी की नहीं बचा सके क्योंकि पानी बहुत तेज था और समय लगता है इतनी तेज बहाव में गाड़ी के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने में। इनमें तीन लोगों की मृत्यु हुई है, जो तहसीलदार रुड़की थी सुनैना राणा, उनका ड्राइवर और उनका ऑर्डर। वहीं एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने यह बताया, गांव के पास में पूर्वी गंगा नहर एक दुखद घटना हुई है। नैनीताल से लौट रहे उत्तराखंड के अधिकारी तहसीलदार रुड़की राणा और उनका ऑर्डरली और ड्राइवर, जो इस नदी के जो नहर थी रेलिंग तोड़ करके रात में गिर गई। ट्रेस किया गया, बाद में पता चला किसी जगह पर रेलिंग तोड़ करके गाड़ी गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। दुखद रूप से तीनों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी निकाल ली गई है और गाड़ी भी निकाल ली गई है। जिलाधिकारी लोग मेरे द्वारा यहाँ पर अब कार्रवाई पूरी हो चुकी है। स्थानीय पुलिस बल और लोगों के सहयोग से गोताखोरों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ। वहाँ के अधिकारियों से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो चुकी है और आवश्यक पूरी कार्रवाई। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।